नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनोहर कांत ध्यानी को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा, मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। नंदा देवी महोत्सव में नहीं होगा ढोला भ्रमण और भंडारा, श्रद्धालु करेंगे लाइव दर्शन। आपसी विवाद को लेकर चली गोलियां, एक युवक घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत श्रीनगर जेबी के हेलीपैड पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक मुकेश कोहली, विनोद कंडारी सहित आयुक्त गढ़वाल मंडल रविनाथ रमन, जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी रेणुका देवी ने मुख्यमंत्री का जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर आगमन पर स्वागत किया। वहीं भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि उनकी परिवर्तन यात्रा का तोड़ निकालने के लिए बौखलाकर भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं मुझे कल मुख्यमंत्री बने हुए, मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए। इसमें 60 दिनों में 120 से ज्यादा जो काम हुए और 4.5 सालों में हुए हैं, वो सब मिलाकर बहुत सारे हैं। मैं आपके सामने बोलूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन बस मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जितनी भी घोषणाएं पिछले 4.5 सालों में हुई है, एक एक घोषणा धरातल पर उतरेगी। एक एक घोषणा के लिए हमने धनराशि उपलब्ध कर ली है। हमारा काम ये नहीं है कि पहले की सरकारों में केवल घोषणाएं होती थी और घोषणाएं कभी धरातल पर नहीं आती थी। हमारी सरकार में जो भी घोषणा होगी वो धरातल पर उतरेगी, उसका शासनादेश निकलेगा, उसमें जो है पैसे की पूरी व्यवस्था होगी, जिनका शिलान्यास होगा उनका लोकार्पण होगा। भाजपा को मेरा कहना है कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से बौखलाकर, उससे डरकर, कांग्रेस के बढ़ते हुए ग्राफ और लोकप्रियता को देखकर आपने जो तोड़ निकाला है, जन आशीर्वाद यात्रा आप श्रीनगर से आगाज कर रहे हैं। अच्छा होता यदि इसका नाम आप पश्चाताप यात्रा या जन अभिशाप यात्रा निकालते, क्योंकि जनता के साथ जो आपने 4.5 साल तक धोखा किया, उसके साथ जो कुठाराघात किया, उसके बाद आशीर्वाद तो कम से कम जनता का आपको नहीं मिलने वाला। वहीं दूसरी ओर एक तरफ आप अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, कोरोना की तीसरी लहर का हवाला देकर आपने चार धाम यात्रा को अभी तक सुचारू रूप से शुरू नहीं किया है। मेरा भाजपा के लोगों से कहना है, लाखों लोगों का रोजगार इस चार धाम यात्रा से जुड़ा हुआ है, कृपया करके उसकी तरफ भी संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ विचार किए जाने की जरूरत है। दोहरे मापदंड जो अपने लिए दूसरा और जनता के लिए और होटल व्यवसायी और पर्यटन व्यवसायियों के लिए दूसरा मापदंड आपने अपनाया है, वो कतई दुर्भाग्यपूर्ण और नाकाबिले बर्दाश्त है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक के बाद एक कार्यकर्ता की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि मामला मंगलोर कोतवाली का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस 26 लाख की ठगी के आरोप में एक युवक को कोतवाली ले आई थी। पुलिस के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता आरोपी को छुड़वाने की मांग को लेकर कोतवाली पहुंच गए और पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक शुरू हो गई। वहीं एसपी देहात का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये मूलतः कि 420 का एक अभी जिसकी अरेस्टिंग के बाद जब थाने लाया जा रहा था, तो उसके बाद कुछ उस अभियुक्त के पक्ष में कुछ लोगों के द्वारा वहां पर आके धरना प्रदर्शन तक की कार्रवाई की गई थी। इसमें पूरे प्रकरण में हालांकि उनका आरोप था कि जो SHO हैं उन्होंने उनके संलग्नता की गई है, इस पूरे प्रकरण को SSP महोदय ने संज्ञान में लिया और CO लक्सर के नेतृत्व में एक जांच इसमें टीम बनाई है, जो इस पूरे प्रकरण की जांच के बाद जो भी इसमें जांच रिपोर्ट होगी इसके आधार पर इस पूरे प्रकरण में CO लक्सर इसकी जाँच कर रहे हैं और उन्हीं की रिपोर्ट का आधार आगे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड के संबंध में गठित समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने अपर सचिव धर्मस्व को समिति का सदस्य सचिव नामित किए जाने के भी निर्देश दिए। वहीं चारों धामों में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब देखना यह होगा कि मनोहर कांत ध्यानी को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद इस दिशा में क्या निर्णय लिया जाता है। पौड़ी जिले के नैनी डांडा सामुदायिक चिकित्सालय में लगवाई गई एक्सरे मशीन आज भी धूल फांक रही है। सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र रावत का कहना है कि विधायक ने मशीन आने पर खूब वाहवाही बटोरी थी, लेकिन दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य का हाल जस का तस है। 10 अगस्त 2021 को नैनी डांडा सामुदायिक केंद्र
स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में एक मशीन मंगाई गई थी, एक्सरे मशीन, जो मशीन आज भी धूल खा रही है। साथियों, पिछले एक महीने से ये मशीन जैसे आई थी आज भी वैसे ही रखी हुई है। मैं अपने विधायक श्री दिलीप सिंह रावत जी से ये पूछना चाहता हूँ कि यह मशीन क्या फ़ोटो खिंचाने के लिए मंगाई गई थी, और अगर मंगाई गई थी, अगर ये जनता के हितों के लिए मंगाई गई थी, तो आज तक इस पर काम क्यों नहीं हुआ, और क्यों वहाँ पे अभी तक टेक्नीशियन नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत की एक पोस्ट से उत्तराखंड की राजनीति के गलियारों में सनसनी मच गई है। हरीश रावत की इस पोस्ट के बाद हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी के प्रति छात्र को उकसाकर स्याही में तेजाब मिलाकर कांग्रेस के नेताओं की यात्राओं में एक व्यक्ति को चिन्हित कर फेंकना चाहते हैं, जो कि उत्तराखंड की राजनीति में कलंक वाला अध्याय होगा। आपको बता दें कि हरीश रावत की इस पोस्ट के बाद सरकार और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। देखिए, माननीय हरीश रावत जी को जो लोग जानते हैं और उनके बयानों को देख रहे हैं, परख रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि माननीय हरीश रावत जी अपनी हल्की बयानबाजी के लिए नहीं जाने जाते। यदि वो कुछ कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं और पुष्ट खबर के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने ये लिखा है अपनी फेसबुक पोस्ट पर कि ऐसी कुत्सित मानसिकता के लोग, विकृत मानसिकता के लोग स्वस्थ लोकतंत्र को दागदार करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान स्याही से किसी नेता को दागदार करना चाह रहे हैं और उस स्याही में तेजाब मिला हुआ हो सकता है। ऐसे में मैं अपनी तमाम सुरक्षा एजेंसी के लोगों से, अपनी सरकार से, प्रशासन से कहना चाहूँगी कि इस मामले की तह तक जाएं, इसको दिखवाएं। यदि ऐसा हुआ तो उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही शर्मसार और दागदार करने वाला प्रकरण होगा। थराली से बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह ने शुक्रवार को तहसील परिसर में देवाल विकास खंड के फलदिया गांव के आपदा प्रभावितों को राहत राशि के चेक बांटे। विधायक मुन्नी देवी शाह ने तहसील कार्यालय में फलदिया गांव के 12 प्रभावितों को राहत राशि की दूसरी किस्त के रूप में 1,10,000 के कुल 12 चेक का वितरण किया। इस दौरान तहसीलदार थराली रवि शाह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। चेक वितरण हुआ और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि 19 में आपदा आई और 20 हमारा बीच में रहा और 1.5 साल के अंदर इन लोगों को पूरा धन उनको प्राप्त हो गया है आज, और इसलिए मैं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। और ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि जो 2013 की आपदा आई थी तब तक का अभी तक नहीं मिला, क्योंकि वो पूर्व की सरकार थी और आज हमारी सरकार ने ये करके दिखाया कि भाई घुसना ही नहीं, हम धरातल पे काम भी करते हैं। मैं इसलिए पूरी सरकार का धन्यवाद करती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि प्रभावित लोग इस पैसे का अच्छे तरीके से अपना लाभ उठाए, जो कि ये पैसा और इन लोगों की मकान बन भी चुकी है, बहुत सुंदर लोगों ने मकान बना रखी है और अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है। अस्थायी राजधानी देहरादून में बीती रात आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलियां चल गई, जिससे एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला राजधानी देहरादून के मेहूवाला का है, जहां पर पैसे के लेन देन को लेकर आपसी विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां चल गई। यह घटना मेहूवाला के इंडियन बैंक के पास की है। बहरहाल, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल को क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए बकायदा रोड मैप भी तैयार हो गया है। सीएम के निर्देश अनुसार प्रदेश में स्वरोजगार योजनाओं के आवेदनों के निस्तारण के लिए कार्यवाही शुरू हो गई है। सभी 13 जिलों में 30 सितंबर से पहले स्वरोजगार शिविर आयोजित किए जाएंगे। बीते 5 अगस्त को समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े आवेदकों के ऋण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी जनपदों में विकासखंड स्तर पर स्वरोजगार शिविरों के लिए रोस्टर तैयार कर लिया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल में इस वर्ष 2 साल बाद श्रद्धालु नैनीताल के ऐतिहासिक नंदा देवी महोत्सव के दौरान माता नंदा सुनंदा के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे। इससे पहले भी दर्शकों को दिखाया और बताया था कि अगर कोविड के हालात ठीक ठाक रहेंगे तो वो मां नंदा देवी महोत्सव का आनंद और मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 84वें दिन और क्रमिक अनशन 64वें दिन भी जारी रहा। तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को जल्द से जल्द भंग करने की मांग की। साथ ही यमुनोत्री तीर्थ पुरोहित महासभा का क्रमिक अनशन भी पूर्व की भांति जारी रहा।
देवस्थान बोर्ड काला कानून जो हमारे पंडित पुरोहितों पे जो थोपा है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम पंडा समाज के साथ पुरजोर तरीके से खड़े हैं। और मैं अपने सभी पंडा समाज को पूरा विश्वास दिलाता हूँ, अगर कांग्रेस सरकार आई तो सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड को हटा दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा। और क्योंकि हम सनातन धर्म में रहते हैं, सनातन धर्म की अगुवाई करते हैं, जब यही लोग हैं जो हमारे पंडा समाज है, यही सनातन धर्म की बागडोर संभाले हुए है, जब इनके हक हकूक ही नहीं रहेंगे तो सनातन धर्म कहाँ से रहेगा। इसलिए मेरा आज भी बीजेपी सरकार से अनुरोध है कि अगर अभी भी थोड़ा सी बुद्धि है तो ये देवस्थानम बोर्ड को भंग करे और हमारे जो हक हकूकदारी है इनको बहाल करे, इनके हक हकूकों को बहाल करे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ मसूरी देहरादून गलोनी पावर हाउस के पास लगातार हो रहे भूस्खलन के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। पुष्कर सिंह धामी द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल पहाड़ के ट्रीटमेंट को लेकर योजना बनाए जाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनावी मोड में उतर चुकी है और कांग्रेस अपना चुनावी मैनिफेस्टो जनता के सुझाव से बनाने जा रही है। बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में लोगों से बात कर उनकी समस्याओं और उनकी उम्मीदों को लेकर वार्ता कर रहे हैं। जनता की उम्मीदों को लेकर मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है। साथ ही बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। ऐसे में अगर जनता ने 2022 में कांग्रेस को प्रदेश की सेवा करने का मौका दिया तो वह जनता की अपेक्षा में 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से केवल 15 दिन का चुनाव लड़ रहे थे, जब अधिसूचना जारी होती थी, प्रत्याशी तय हो जाते थे, तब हम चुनाव क्षेत्र में जा कर के मतदाताओं से संपर्क साधने की कोशिश करते थे। लेकिन इस समय जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने सत्ता में रह करके जिस तरह से अवैध वसूलियां करके, भ्रष्टाचार करके और धन बल के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, छल बल के आधार पर झूठ बोल करके चुनाव जीतना चाहते हैं, तो उनके साथ लड़ने के लिए सठम साठ्यम समाचारित के सिद्धांत पर काम करना पड़ेगा। इसलिए हम जो राज्य के अंदर अलग अलग विधानसभाएं हैं, अपनी अपनी विधानसभाओं में वहां की परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार का नारा देकर के लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा किया, तो आज राज्य की बेरोजगारी दर 24% है, जो देश की बेरोजगारी दर से 2 गुने से अधिक है। ये हमारे सामने चिंता है कि आखिर हमारा जो बेरोजगार नौजवान है। जनपद नैनीताल के काठगोदाम सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर के जैन ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करना आयोग की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों को शीघ्र प्राथमिकता के तहत आयोग में दर्ज शिकायती प्रकरणों से संबंधित जाँच में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र पंवार मसूरी पहुंचे। मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने को लेकर ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा पक्ष में थी। उत्तराखंड अलग राज्य बनाए जाने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की सरकार लगातार माफियाओं के दबाव में काम करती आई है, वर्तमान में उत्तराखंड को माफिया चला रहे हैं। साथ ही त्रिवेंद्र पवार ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को क्षेत्रीय दल को आगे लाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय दल ही उत्तराखंड का विकास कर सकती है। सत्ता में बैठे 20 साल से वो कभी भी इस राज्य के पक्ष में नहीं थे और इसके विरोधी थे, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस है, इसीलिए ये हाल ऐसा है। और ये सरकारें जो है वो माफियाओं के दबाव में है, माफिया इस सरकार को चला रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के। 2022 में यूकेडी का भविष्य क्या होगा? निश्चित तौर पर ये मौका है, उत्तराखंड की जनता को सोचने का मौका भी है, जब दिल्ली की पार्टियां यहाँ आ रही है क्षेत्रीय दल, और हमारा जो क्षेत्रीय दल है जो 40-42 साल हो गए क्षेत्रीय दल को, उस क्षेत्रीय दल को अपनाओ, आपका अपना दल है उसको अपनाओगे तो निश्चित तौर पर उन शहीदों का सपना तभी पूरा होगा। 70 के 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग,
है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।